हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो बहुत ही इंटरेस्टिंग DIY। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला DIY के लिए मैं यहाँ पे ये ग्लास बॉटल यूज़ कर रही हूँ। ये ग्लास बॉटल मैं दिल्ली में ही संभाल के रखी थी एंड वहाँ से मैं गोवा लेके आई हूँ, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जैसो अप्लाई करूँगी। तो जैसो अप्लाई करने से आपका बेस कोट रेडी हो जाता है एंड कलर काफ़ी खिल के आता है। वंस आपका जैसो अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद मैं यहाँ पर ये डिज़ाइन को ट्रेस करने वाली हूँ। ये डिज़ाइन मैं बहुत दिन से प्रिंट आउट निकाल के रखी थी एंड हमेशा सोचती थी कि इसको बनाओ बनाओ, क्योंकि जगन्नाथ जी बहुत ही सिंबलाइज करता है उड़ीसा से एंड मैं एक ओडिया होते हुए मेरी बहुत इमोशनल फीलिंग भी है। तो इस प्रिंट को ट्रेस करने के लिए यहाँ पे मैं वाइट कार्बन पेपर यूज़ कर रही हूँ। हमेशा याद रखें कि डार्क कलर कार्बन पेपर कभी यूज़ ना करें, क्योंकि उसकी जो ट्रेसिंग रह जाती है वो अच्छा नहीं दिखता है एंड कलर से भी कभी कभार छुपता नहीं है। तो हमेशा वाइट या लाइट कलर के कार्बन पेपर्स यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं डिज़ाइन को कहाँ पे प्लेस करना है उसे करने के बाद मैं अच्छे से टेप लगा के ही ट्रेसिंग करूँगी। उससे क्या होगा, नीदर आपका प्रिंट इधर उधर मूव करेगा ना ट्रेसिंग पेपर, इससे डिज़ाइन काफ़ी क्लियरली निकल के आता है। तो यहाँ पे मैं पेंसिल से इसे ड्रॉ कर दे रही हूँ। पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद आप हल्के हाथ से ये पेपर एंड ड्रेसिंग पेपर को निकालेंगे तो कुछ इस तरह से उसके ऊपर डिज़ाइन आ जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम पेंटिंग से। तो अगेन मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ एंड पूरे बॉटल को रेड कलर से पेंट कर दूँगी। एंड यहाँ पे मैं स्पंज ले रही हूँ, उससे काफ़ी कलर ब्लेंड हो जाता है एंड उसकी डिज़ाइन भी काफ़ी खिल के आता है। तो रेड कलर को करने के बाद मैं जगन्नाथ जी के फेस को पेंट करूँगी एंड अगेन फेस के लिए भी मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ एंड यहाँ पे 0 से 2 नंबर ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ताकि बहुत अच्छे से डिज़ाइन निकल के आए एंड कलर इधर उधर फैले ना। इसमें बहुत ही बारीक डिज़ाइनिंग है तो इसके लिए फाइन ब्रश होना बहुत ज़रूरी होता है एंड इससे बहुत ही सुंदर सा आर्ट निकल के आता है। बट मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जा रहा था क्योंकि डिज़ाइन काफ़ी फाइन थी एंड ब्रश से ड्रॉ करना मुश्किल हो रहा था। सो इसीलिए यहाँ पे मैं ये मंडाला आर्ट का पेन यूज़ कर रही हूँ जो मैं इत्से बित्से से मंगवाई थी। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है मैं आगे चल के बताऊँगी। नेक्स्ट मैं डॉटिंग टूल से कुछ डॉट्स बना के इसमें थोड़ा सा और डिज़ाइंस बनाऊंगी। अब यहाँ तक तो पेंटिंग बहुत ही सुंदर लग रहा है, बट इसे प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कभी कभार ऐसा होता है कि कलर पील ऑफ हो जाए। तो उसके लिए वार्निश यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बट यहाँ पे मैंने एक गलती की थी, मैंने पेन यूज़ किया था एंड उसके बाद वार्निश से मैं ब्रश से कोटिंग की थी। उससे क्या हुआ, मेरी कलर थोड़ी सी फैल गई। वो तो मैंने पेंट करके एडजस्ट कर दिया, बट हमेशा याद रखें जब कभी भी आप पेन्स यूज़ करें तो स्प्रे वार्निश ही यूज़ कीजिएगा, उससे फैलने की चांसेस कम रहती है क्योंकि आप थोड़े से डिस्टेंस में इसे स्प्रे करते हैं। सो ये था आज का टिप एंड साथ ही मेरा फर्स्ट DIY रेडी हो चुका है। सो बिफोर मूविंग टू आर सेकेंड DIY, लेट्स टॉक अबाउट द स्पॉन्सर्स ऑफ टुडेज वीडियो। आज के वीडियो के स्पॉन्सर है अन अकेडमी। आई नो आप सबको अन अकेडमी के बारे में पता ही होगा। इट्स अ लर्निंग प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज एंड आज 23rd February they have flagship program for all the CA aspirants. तो अगर आप May 2022 के लिए attempt कर रहे हैं तो इस course का फ़ायदा ज़रूर से उठाइए, या फिर आपके घर में कोई और apply कर रहा है तो उन्हें भी इस course के बारे में ज़रूर बताइए। Best part of an academy is you get access to different courses with single subscription. और ये हैं different educators।
अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर कोर्स या चैप्टर में डिफ़िकल्टी होती है, आप डिफरेंट एजुकेटर से पूछ के हेल्प ले सकते हैं। सो हरी अप सीए एस्पिरेंट्स, लेट्स क्रैक इट। बाकी के सारे डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ सेकेंड DIY। तो सेकेंड DIY के लिए मैं एक ज्वेलरी बॉक्स बनाना चाहती हूँ, एंड वो भी ग्रीन टी के डब्बे से। तो मेरे पास ये ग्रीन टी का बॉक्स था जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के थे, एंड ये बॉक्स इतना अच्छा था कि मैं इसे फेंकना नहीं चाहती थी। तो इसे मैं पेंट करके एज अ ज्वेलरी बॉक्स यूज़ करना चाहती हूँ, एंड जिसके लिए मैं स्कल्पचर पेस्ट यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं जेसो अप्लाई कर रही हूँ, बट यहाँ पे अगेन मैं दूसरा टिप शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जो ऊपर का कोट था उसे मैं स्क्रबिंग नहीं की थी, एंड डायरेक्टली जेसो अप्लाई कर दी। उससे क्या चांसेस है कि कलर पील ऑफ हो सकता है, क्योंकि ऊपर का जो कोट है वो बार्निश का है। तो हमेशा याद रखें, पहले स्क्रबिंग करें फिर जेसो अप्लाई करें। मेरा तो लकीली इतना पील ऑफ नहीं हुआ है, जो भी हुआ है मैंने पेंट कर दिया है, बट नेक्स्ट टाइम कभी भी DIY करूँगी तो ये टिप का ज़रूर से ध्यान रखूँगी। तो यहाँ पे जेसो अप्लाई करने के बाद मैं अगेन स्पंज से ये येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ। स्पंज ब्रश से जैसे मैंने बताया ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होती है, एंड ब्रश के कोई स्ट्रोक्स नहीं रहते हैं। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ इट्सी बिट्सी से मंगवाया हुआ ये लिटिल बर्डी का स्कल्पचर पेस्ट। मैंने यहाँ पे वाइट कलर का ही यूज़ किया है, एंड जो भी कलर मैं बनाने वाली हूँ उसको मैं एक्रेलिक कलर से मिक्स करके ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइटर टोन चाहिए था, एंड मैं अलग से पैसे नहीं खर्चा करना चाहती थी। मैं वाइट कलर में ही एक्रेलिक कलर को मिक्स करके कलर्स में डेवलप कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सोच रही थी कि मैं वाइट फ्लावर्स ही बनाऊंगी, बट लेटर ऑन मैंने माइंड थोड़ा सा चेंज कर दिया था। बट यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से फ्लावर के पेटल्स बनते हैं। तो कुछ नहीं, पहले पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, एंड इस तरीके के आपको स्कल्पचर पेस्ट के नाइफ मिलते हैं जिसके अलग अलग नंबर्स होते हैं। तो वहाँ पे आपके जो पेटल का साइज़ आपको रखना है उस हिसाब से आप नाइफ़ यूज़ कीजिए। आप इस तरह से कट करके पैलेट नाइफ में अपने जो स्कल्पचर पेस्ट को इकट्ठा करते जाते हैं। आपको देख के समझ में आएगा, मैं बताऊँगी तो वो आपको क्लियर नहीं होगा, बस आपको कट करना है एंड कलेक्ट करना है। सो जब आप इस तरह से करेंगे तो कुछ इस तरह से ये पेटल के शेप में आ जाएगा, एंड आपको जो आपका बेस है उसके ऊपर कुछ इस तरह से पेस्ट करना है। सो कुछ इस तरह से मैंने वाइट कलर का पेटल्स बनाया है, बट लेटर ऑन मैं इसे पिंक कलर का बना दूंगी। तो पिंक कलर मैं कैसे बना रही हूँ, मैंने थोड़ा सा कोरल एक्रेलिक कलर मिक्स किया है स्कल्पचर पेस्ट के साथ। आप अच्छे से मिक्स करेंगे तो एक लाइट बहुत ही ब्यूटीफुल कलर का पिंक निकलेगा, एंड इसी से ही मैं फ्लावर्स बनाने वाली हूँ। तो जैसे मैंने प्रोसेस बताया, बस कट करना है कलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे मैं कलर पूरा चेंज कर चुकी हूँ, वाइट से पिंक कर दी हूँ, एंड इसके साथ मैं ये पोलेंस ऐड कर रही हूँ। अगेन मैंने इससे भी इसी से ही मंगवाया था, मेरे को स्कल्पचर पेस्ट का करना था एंड पोलेंस ही ऐड करना था। तो यहाँ पे मैं वाइट पोलेंस ऐड करके एक फ्लावर बना रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है गाइस, ये पहले बार में बिल्कुल नहीं बनता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, ये शायद मैं थर्ड अटेम्प्ट कर रही हूँ स्कल्पचर पेस्ट के ऊपर। इससे पहले दो DIY मैं ऑलरेडी अपने चैनल में शेयर कर चुकी हूँ, बट स्टिल अभी भी मेरे को डिफ़िकल्टी होता है। बट ये मेरे को बहुत ज़्यादा ही पसंद है, इसीलिए मैं बार बार ट्राई कर रही हूँ, एंड जो भी मैं इससे सीख रही हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं वाइट पेस्ट में अगेन थोड़ा सा सी ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैं लीव्स बनाऊँगी। तो मैं थोड़ा सा पेस्टल कलर यूज़ करना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने ये कलर कॉम्पोजिशन किया है। आप डार्क कलर में भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट चलते हैं लीफ कैसा बनाना है। तो जिस तरह से हम फ्लावर बनाए हैं उसी तरह से लीफ में भी कट एंड कलेक्ट करना है, बट कुछ इस तरह से दोनों साइड में करना है। जस्ट पेस्ट कीजिए एंड कट कीजिए, दूसरे साइड में भी पेस्ट कीजिए एंड कट कीजिए।
तो ये आप अगर जोड़ देंगे तो एक लीफ के जैसा हो जाता है, एंड इसके बाद बॉक्स के ऊपर या आपका जो भी बेस है उसके ऊपर रख दें। स्कल्पचर पे आसानी से चिपक जाता है, आपको अलग से ग्लू देने की ज़रूरत नहीं है, बट कभी कभार अगर आपको लगे कि ये चिपक नहीं रहा है या फिर गिर जा रहा है, आप फेविकॉल यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये आसानी से चिपक जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैंने स्कल्पचर पे से ये फ्लावर्स बनाया है एंड ये लीव्स बनाया है। अगर आप चाहें तो स्टेंसिल यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, पर जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में मैंने गलती कर दिया था, अच्छे से सैंड पेपर से घिसा नहीं था तो पील ऑफ होने का चांसेस था, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं की, इतना मैं ही छोड़ दी। एंड ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसे मैं अपने ड्रेसर के ऊपर रखने वाली हूँ एंड साथ में जो मैं ज्वेलरी यूज़ करूँगी उससे ये सजाने वाली हूँ। सो ये थे आज के दो इंटरेस्टिंग DIYs। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक एंड कमेंट करना है एंड साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर इस तरीके के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में भी ज़रूर से शेयर कीजिए। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।